कि दस्तूर आगे बढ़े बातचीत का हमारे साथ एक बनारसी हैं व्योमेश सर इससे पहले कि मैं इस सत्र का आगाज करूं एक हमारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बात होती है व्योमेश सर वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिलेटिविटी की अगर आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल इंटीमेसी है भी आप उसको पहले से जानते हो आपके मित्र हों या किसी भी और तरीके से आप जानते हो स्टेज पर या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप उसको कहीं से भी उसका दर्शाएं ना उस बात को आप उसकी मर्यादा को मेंटेन करें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं मैं उसके लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ बातचीत यहाँ पर होनी है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं व्योमेश भैया मैं व्योमेश सर को अगर व्योमेश भैया बुला दूँ तो आप लोग प्लीज़ बुरा ना मानिएगा क्योंकि मेरे घर के बड़े हैं ये ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और अगर हम कैसे हैं ये जानना हो तो आप हमारे घर के बुज़ुर्ग से मिलिए व्योमेश भैया मैं इस बात से कि माफ़ी चाहते हुए कि कभी कभी से भैया निकल सकता है आपके लिए मैं आज के इस सत्र का आगाज़ करना चाहूँगा सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कला मंथन के मंच पर और चौथे साहित्यिक महोत्सव पर अभी आगाज है तो भैया कह रहे हैं इब्तिदा इब्तिदा ही में मर गए मीर इश्क की कौन इम्ते लाया क्या बात है जबरदस्त जोरदार तालियां सबकी आनी चाहिए इस बात पर शुरुआत भैया से कर रहे हैं बनारस में एक शब्द है रेरियाना पता नहीं आप परिचित हैं कि नहीं उससे अंत उससे भी कर सकते हैं इनको बहुत छूट है मुझे बिल्कुल छूट नहीं है क्योंकि साहित्यिक मंचों पर थोड़ी सी इस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने असली बनारसी अंदाज में नहीं आ सकते क्योंकि अगर बनारसी अंदाज़ में मुझे आपसे बात करनी होती तो मैं सबसे पहले यही पूछता कि काल य गुरु बनारस से हमरे बदे इसका जवाब सर्वथा अश्लील है वो दिया नहीं जा सकता <laughs> मैंने कहा था कि मैं हम कैसे हैं ये जानना हो तो हमारे घर के बुजुर्गों से मिलिए तो इसी बात पर बात आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कोई कहता है बनारस एक मेला है मैं अपने शहर की बात पहले करना चाहूंगा कोई कहता है कि यहाँ मोक्ष मिलता है कोई किसी तरीके से देखता है अपने शहर को कोई किसी और तरीके से हम दोनों बनारस में पैदा हुए वहाँ पले बड़े मैं एक बात से आज के इस अंक की शुरुआत करना चाहता हूँ बनारस की सुगंध का कि आपके लिए व्योमेश शुक्ल के लिए बनारस का नाम जब आता है तो क्या समझ में आता है क्या मन में आता है और वो पहली चीज़ क्या आती है बनारस से जुड़ी क्या याद आता है क्या माँ याद आती है पाँच पांडवों जैसे मामा याद आते हैं ऐसी ही वसंत की धूप याद आती है अस्सी घाट जैसा माहौल है दोस्ती की कस्में खाने वाले वहाँ बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं दिव्य प्रकाश और सत्या देख लीजिए आप हमारे भाई लोग वहाँ बैठे हैं ऐसा ही है बनारस कि वो आगे वो हिंदी के अनन्य लोकप्रिय लेखक गण और इस बीच मैं एक अपनी पर्सनल मुश्किल आपको बताऊं माँ और पिता ने बनारस में रह के बहुत अदम्य सार्वजनिक जीवन जिया है तो माँ के जितने मित्र हैं सब मेरे मामा हुए मुंह बोले मामा तो आजकल मैं मामाओं से घिरा हुआ हूँ परसों एक समारोह में बुद्धिनाथ मिश्र जी मंच के सामने बैठे थे कल जो है प्रोफेसर आनंद कुमार बैठे हुए थे बी में और आज तो साक्षात सगे मामा ही सुरेंद्र मोहन तिवारी जी हैं आप जो है ना बहुत आदिम किस्म के रूपकों से बाहर ही नहीं आ पाते विस्थापन की बुद्धि के बाजार में बहुत कीमत है क्या बात Reflections on Exile है रिफ्लेक्शन्स ऑन एग्जाइल जैसी किताब है सईद का पूरा चिंतन ही है कि यरूशलम यरूशलेम नहीं है बगदाद बगदाद नहीं है कश्मीर कश्मीर नहीं है सब लोगों को छोड़ के भागनी पड़ी अपनी जगहें उस से पूरा एतबार रखते हुए भी मैं प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि संस्थापन भी बहुत बड़ी मुश्किल है शिव जी के पिंड की तरह एक ही जगह पड़े रह जाना उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब की तरह क्योंकि वो किसी ने कहा उनसे कि आप यहाँ क्यों नहीं रह जाते लंदन में तो उन्होंने कहा गंगा जी ला दीजिए और विश्वनाथ जी तो रह जाएं। तो ये पेड़ की तरह रह जाना जो है ये भी जीवन जीने का एक अंदाज है और इसी को एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और क्या कहूँ कोशिश वगैरह भी ऐसे कोई कर नहीं रहा हूँ यहाँ आके थोड़ी भूमिका बांध रहा हूँ बस जीता हूँ अकुंठ उछल प्रवाह में गंगा के जैसा गंगा का प्रवाह अनवरत है जितना बाधित है उतना ही मेरा जीवन भी बाधित है हमारा आप सबका तो बस यही है उसको अलग से पहचाना नहीं जा सकता बनारस को किसी टर्म में क्वाइन नहीं होता आप केदारनाथ सिंह की कविता याद कीजिए आधा जल में है आधा मंत्र में आधा शव में है आधा फूल में आधा है आधा नहीं है इतने बड़े खिलाड़ी को जब इतनी मुश्किल हुई थी बनारस को कह पाने में तो हम लोग क्या हैं फिर क्या बात है क्या बात है बहुत सारी बातें आपने बता दी कि आपके लिए बनारस क्या है ये बताते हुए कि आप नहीं बता सकते क्या बात है मैं बनारस की बात ज़रूर बीच बीच में लाता रहूँगा लेकिन अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए बात करूँगा आग और पानी जो आपकी नई किताब है उसके बारे में जिसमें मेरे लिए वो किताब नहीं है मेरे लिए वो एक संस्मरण है एक मनुष्य जिस तरीके से बनारस को देखता है समझता है अपने शहर को जीता है हमारे शहर के धुरंधर जो लेजेंड्स रहे हैं उनके साथ हमने कैसी बातचीत की है क्या कैसे देखा है उनकी नज़रों से उस बारे में ये किताब है मैं किताब के ऊपर और बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी मेरा जो मेरी जो जिज्ञासा है मेरा जो प्रश्न है आपसे आपने अपने किताब की पहली लाइन लिखी है बनारस एक असंभव जगह है ये मन में विचार क्यों आया साथ साथ माफी चाहूंगा ये भी कि इस किताब का नाम आपने आग और पानी क्यों रखा दोनों प्रश्न पहले लौकिक लाभ की एक बात सुन लीजिए कि किताब वहां रखी हुई है शायद तो लोगों को लेनी होगी वो ले लेंगे किताब का नाम है आग और पानी अच्छा वो कौन से दो बिंब होंगे जिनमें बनारस को पहचाना जा सके एक बिंब एक तो चिता की आग है और एक गंगा जी का पानी है तीर्थ तीर्थ हैं ही इसलिए कि वहां पानी है आप किसी भी तीर्थ से पानी हटा के देखिए कि वहां क्या बसता है बहुत बड़ी धार्मिकता का अनवरत यशोगान करते चले जाना एक बात है लेकिन हमारी धार्मिकता हमारी आस्था जिन तत्वों से निर्मित हुई है उनको ठीक ठीक पहचान पाना जिंदगी में और भाषा में एक दूसरी बात है पानी के बिना तीर्थ मुमकिन नहीं है बनारस बहुत बड़ा तीर्थ है क्योंकि वहाँ गंगा है बंगलोर अपनी तमाम खासियतों के बावजूद तीर्थ नहीं है क्योंकि तो बेंगलोर के पास कोई नदी नहीं है एक अर्थ में बंगलोर सौभाग्यशाली है उसके पास कोई नदी नहीं है तो वो नदी का डस्टबिन जैसा इस्तेमाल भी नहीं करता एक करोड़ की आबादी है जोरदार तालियां प्राय एक करोड़ की मलमूत्र की निकासी का कोई इंतजाम किया होगा ना कोई सीवेज सिस्टम है ना उन शहरों के पास जिनके पास नदी नहीं है और जिन शहरों के पास नदियां हैं जैसे बनारस तो पूरा सीवेज जो है वो नदियों में जाता है और सरकार का तर्क यह है कि वो रिसाइकिल होके जाता है आप बताइए ये पानी यहां रखा हुआ है इसमें एक चम्मच सीवेज का जल मिलाने की क्या जरूरत है कि बाद में साफ करेंगे मत मिलाओ यार मत मिलाओ और ये काम मेरा नहीं है ये काम शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों का है ये बताना मेरा काम नहीं है कि गंगा में पानी मत मिलाओ मेरा काम तो कविताएं लिखना है लेकिन आपको अपना काम बदलना पड़ता है क्योंकि कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि सीवेज का मुंह गंगा की ओर मत मोड़ो ढाल बना रहे हैं तो ढाल कम हो गई तो मेन स्ट्रीम में मिला देंगे तो फ्लो रहेगा तो बह के चला जाएगा फ्लो है तो कोई समस्या नहीं है मत मिलाओ ना ये और मैं आपको याद दिला दूं कि बुनियादी रूप से ये राम मनोहर लोहिया का ख्याल है कि सीवेज आप अवजल मत ले जाइए नदियों की ओर और।, और अगर ले जा रहे हैं और अब जैसी स्थिति है इसमें मत ले जाइए जैसी बात नहीं कही जा सकती बांध तोड़ दीजिए जैसी बात नहीं कही जा सकती तो ये तो किया जा सकता है कि आगे और न मिलाया जाए उसमें और नदी पर प्रेशर न बने आगे जैसे आबादी के साथ साथ सीवेज बढ़ता है तो पूरा सीवेज आप गंगा जी में मत ले जाइए कितना भी रिसाइकिल कर लें हाल वही रहेगा तो पानी का बिंब जो है वहाँ से आया है और आग जो है जो हमारा महाश्मशान है मणिकर्णिका वहाँ पर लगातार जो जलता हुआ अग्निपुंज है जो धुआं उठ रहा है वहाँ से जो राख फैली हुई है वहाँ से आया है सबको पता है ये ये नाहक मुझसे पूछ रहे हैं इनको सब भली भांति पता है कि आग और पानी क्या है वही है आग और पानी क्या बात है मतलब बनारस का चित्रण बनारस के ऊपर लिखी गई किताब में भी है बहुत अच्छी बात लेकिन इससे पहले कि मैं किताब के बारे में बात शुरू करूं, एक पाठक के तौर पर एक बनारसी के तौर पर और क्योंकि इस बात की थोड़ी सी सहूलियत ले सकता हूं कि आपके घर के एक छोटे भाई के रूप में इतनी कम क्यों इतना कम क्यों आया सिर्फ मात्र 125 पन्नों की ये किताब क्यों आई ये किताब लगभग साढ़े तीन से 400 पन्ने की हो सकती थी जिसमें और बहुत सारी बातों का व्याख्यान हो सकता था तो इतनी छोटी किताब क्यों आई पहला सवाल और इससे जुड़ा दूसरा ये कि क्या इसका दूसरा और तीसरा भाग भी आने वाला है इसलिए ये छोटी है आप क्या है? विचार दूसरा भाग दूसरे संस्करण में ही आने वाला था वो किताब मेरे लिए खुद एक आश्चर्य है हम लोग हिंदी के समकालीन रश्मि जी एक आपके मतलब की बात में कह रहा था हम लोग समकालीन हिंदी कवि हैं सुलभ सर और हमारा पहला चरित्र लक्षण है कि हम बहुत मनहूस लोग हैं कि अगर हमको शादियों में बैठा दीजिए तो आपको लगेगा कि किसी मातम में आए हैं क्योंकि हमारी कविता जो है वो ज़्यादातर दुख की तकलीफ़ों की कविता है वो कविता है हमारी ऐसी हम देखने में चाहे मनहूस न हो तो दुख हमारा स्थायी भाव है लेकिन और कविताओं की प्रतियां कविताओं की ये किताबों की प्रतियां कितनी छपी हैं उनका सेल कहाँ होता है इस वाले संसार से हम बाहर थे हिंदी में दरअसल हिंदी की मुख्य धारा में दो संसार हैं वो नई वाली हिंदी वो पुरानी वाली हिंदी <laughs> हाँ हैं अपने मित्र लोग हैं अब हम लोग भी जा रहे हैं उसमें मतलब हम दोनों और अपना दावा रखेंगे तो, <laughs> तो हमको पता नहीं होता था लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य धारा का सबसे बड़ा प्रकाशक है उसके यहाँ से तनिक छूट लेकर एक बिल्कुल मित्र संपादक प्रकाशक के पास हम गए और अनपेक्षित रेस्पॉन्स किताब को मिला वो सात दिन में ही समाप्त हो गई उर्मिला जी और रूपा जी आ गई हैं आप लोगों का अभिवादन तो ये हुआ कि जब दूसरा संस्करण आ रहा है तो किताब को अपने आकार प्रकार में कुछ किया जाए मतलब बिल्कुल लेखक के व्यक्तित्व से कुछ तो सामने हो <laughs> किताब का मेरे पास करीब सौ पेज का मैटर तैयार है लेकिन प्रकाशक ने ये कहा कि किताब को उस रूप में स्वीकार किया गया है सात दिन में उसका संस्करण आ रहा है आठवें दिन उसमें अगर सौ पेज बढ़ जाएंगे तो वो जिसने सात दिनों में ख़रीदी है किताब वो छला हुआ महसूस करेगा तो हम रुके हुए हैं अन्यथा उस किताब के जो अध्याय हैं बस्मिल्ला खान साहब किशन महाराज शामता प्रसाद जी चन्नू लाल जी उन सब पर अलग अलग एक किताब लिखने का मेरा मन है वो वैसा प्रोजेक्ट है। क्या बात है जबरदस्त जोरदार ताले इस है? बात पर होनी चाहिए मैं सेशन को इस तरफ भी लेकर जाऊंगा कि बनारस में जहाँ हम दाएं घूम जाएँ तो शामा प्रसाद गुदई महाराज बैठे हुए हैं और अगर बाएं घूम जाएँ तो किशन महाराज मिलते हैं एक तरफ़ छन्नू लाल मिश्र मिलते हैं और एक तरफ अनोखे लाल मिश्र जी मिलते हैं पंडित रविशंकर जो यहीं की गलियों से आगे चले गए और बिसम्ला खां साहब जो यहाँ की गलियों में ही रच गए बस गए और रम गए और ब्रह्म हो गए मैं इस तरफ ज़रूर ले जाऊँगा लेकिन उसके पहले मैं किताब से एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे बनारस के बारे में एक जगह आप लिखते हैं इस किताब में कि ऐसा शहर जिसके पास हर प्रश्न का अनूठा और तर्कातीत उत्तर है तो पहली बात तो ये कि आपने ये लाइन क्यों लिखी कि हर प्रश्न का तर्कातीत उत्तर बनारसी या बनारस क्यों देता है और कैसे देता है मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं और इससे जुड़ा दूसरा सवाल ये कि आज मेरे प्रश्नों को तर्क आती तो उत्तर देवा गुरु की सीधा सीधा अब ये इस तरह से पूछ रहे हैं तो इनको इन्हीं की तरह समझाना होगा ये भाषा बनारस वाली में बोलने से डर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत निष्णात हूं इसमें बनारस शैली की जो काशिका है उसमें लेकिन खड़ी बोली भी मुझे कहना आती है तो जो अनूठा तर्कातीत उत्तर वाला प्रसंग है वो किताब में जो है उसको मैं रहने देता हूँ आपको सुनाता हूँ कि बनारसी लोग संवाद कैसे करते हैं एक भीड़ भरा चौराहा है हज़रतगंज जैसा गुडौलिया वो नाम बहुत विश्व प्रसिद्ध है गुडौलिया चौराहे पर एक व्यक्ति रिक्शे पर बैठ के कहीं जा रहा था और उसने मुंह में खूब पान घुलाए हुए था वो व्यक्ति पान उसने थूका तो एक व्यक्ति के ऊपर थूक दिया एक दूसरा व्यक्ति जो पैदल चल रहा था तो पैदल चलने वाले व्यक्ति को बहुत क्रोध आया होगा क्रोध के वशीभूत होकर उसने पूछा कि अब मैं बनारसी बोलूँगा देख के नहीं थूकेंगे मतलब देख के नहीं थूकना चाहिए था तो रिक्शे वाले के पास वही अनूठा तर्कतीत उत्तर था जो ऊपर बैठा हुआ था उसने कहा और मैं भोजपुरी में ही बोलता हूँ वो क्योंकि हिंदी में वो बात नहीं है कि देख के थूके के रहा तो रही मुंह बचल रहा <laughs> ये है अनूठा तर्कातीत उत्तर सिकंदर लोदी बनारस आया था विश्व विजय पर निकला होगा भारत को जीत ही लिया था उसने कबीर को बुलवा भेजा कबीर बहुत लोकप्रिय हो रहे थे सिकंदर लोदी आक्रांता कबीर संत कबीर को दंड देने का इरादा रखता था लोधी कबीर सज धज के बिल्कुल श्रृंगार करके मोरपंख लगा के माथे में निकले घर से और उनके साथ उनका मंडल भी निकला मैं कल्पना करता हूँ कि गाते बजाते सब लोग जा रहे होंगे किसी जुलूस किसी शक्ल में और देर हो गई पहुँचते पहुँचते तो बादशाह सलामत ने पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई तो कबीर ने जो उत्तर दिया कि हुजूर रास्ते में एक चींटी मिल गई वो नौ मन काजल लगाए हुए थी और उसके एक कंधे पर ऊंट था दूसरे कंधे पर हाथी था चींटी नौ मन काजल लगाए हुए एक कंधे पर ऊंट, दूसरे कंधे पर हाथी तो उसी को बात करने में कुछ देर हो गई है तो कुछ बादशाह समझदार होते हैं सिकंदर लोधी समझदार था वो समझ गया कि ये कवि नहीं बोल रहा है वो सभ्यता बोल रही है जो कहती है कि अगर थूके के रहा तोहर मुंह बचल रहा है। बहुत बहुत बहुत, बहुत लाजवाब और एक बात मैं इससे पहले कि आगे किताब के ऊपर बात करूं क्योंकि आपने बनारसी लिहाज की बात करी मैं एक बात अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि हम लखनऊ शहर में बैठे हैं बड़े अदबो आदाब का शहर है पहले आप पहले आप होता है और बड़े तहजीब से जो बातचीत की जाती है और वहीं एक तरफ़ हम बनारसी हैं कि जैसे बात करते हैं हम ये तो बड़ा अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया आपने एक अच्छा उदाहरण क्या है बनारस में ऐसा कि हम ऐसे हैं हम अनूठे हैं हमें किसी से मतलब नहीं कोई कहीं का शाह होगा तो होगा हम अपने दुनिया में मस्त हैं ऐसा बनारस में या बनारस के लोगों में क्या अलग है और वो क्यों इस तासीर के लोग हैं कबीर को याद कीजिए ना बनारस को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बनारस को कोई क्या देगा एक गली है पचास फीट लंबी उसमें सौ पद्म पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं और सब गली में घूम रहे हैं गमछा पहन के मतलब हम लोगों को भद्रता का अभ्यास है ना, हमारे लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्डी माने सुलभ सर जिनको इस वर्ष मिला है जो हमारा शहरी मूल्य बोध है अब वो गाली गमछा पहन के चाय की दुकान को उधार लगा के चाय पी रहा है और पान खा रहा है वो भी वही है क्योंकि उसकी सभ्यता ने उसे वैसे ट्रेंड किया है उसे ज़रूरत नहीं पड़ी है हमारी तरह कपड़ा पहनने की हमारी तरह बोलने की चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह जिसको कछुना चाहिए वो शाहों का शाह तो तो शाहों का शाह है सिर्फ कबीर नहीं कबीर की सभ्यता भी और अगर मैं किसी भी तरह से बनारस की लुच्चई को इस्टेब्लिश कर दे रहा हूँ तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बनारस अपनी आंतरिकता में बहुत शरीफ शहर भी है आप याद कीजिए जयशंकर प्रसाद को कामाइनी में वो प्रसंग मैं बार बार सुनाता हूँ बार बार मेरी ज़बान पे आ जाता है मैं कामायनी खेलता भी हूँ नाटक के तौर पे। हमारे कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं स्वाति नंदिनी साखी तापस शाश्वत एक पंक्ति है लज्जा एक चरित्र है उसमें वो अपना परिचय देते हुए कहती है चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वो हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली वो जो कानों की लाली बन जाती है अब हम लोग जब प्रसाद की निंदा पर आमादा होते हैं तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो से आगे बढ़ ही नहीं पाते इसी पंक्ति को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आप देखिए नदी का कैसा रूपक है उसमें नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में मेरा ये कहना है कि इसको गंगा किनारे रहने वाला छोरा ही लिख सकता है इस बात को जिसने जीवन के सुंदर समतल में पीयूष स्रोत की तरह कम से कम लाख साल से नदी की औसत उम्र एक लाख साल होती है लाख साल से बहते हुए देखा है एक नदी को और गंगा सबसे नई नदियों में से एक हैं क्योंकि हिमालय सबसे नया पहाड़ है ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि पहाड़ों में हिमालय सबसे बाद का पहाड़ है तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी बात की हैं लेकिन गंगा का दाय कितना बड़ा है और बनारस ने कैसे कृतज्ञ भाव से गंगा को स्वीकार किया है अपने ऊपर वो बहुत मज़ेदार है यही सब बातें उसको अनोखा बनाती हैं वैसे तो होमोजेनाइजेशन की जो आंधी है उसने ये कर दिया है कि चपाती पूरे देश में एक ही है तंदूरी रोटी पूरे देश में एक ही है पनीर बटर मसाला एक ही है आप लेकिन मनुष्य का मन तो अलग अलग किस्म का है और उसको अगर वो वैभिन्न जो है वो वैविध्य वो जो सृजनात्मक बहुलता है उसको बहुत असर्ट करके बचाने की ज़रूरत है हर सभ्यता को वो बहुत मूल्यवान मतलब काम है बहुत ज़रूरी ऐसा इतना ज़रूरी कि जैसे किसी प्राकृतिक आपदा वगैरह के समय हम रेस्क्यू करते हैं बाढ़ के समय विनाश के दूसरे आक्रमणों के समय युद्ध के समय वैसे वैविध्य को बचाया जाना ज़रूरी है और वो तभी बचेगा जब आप एक जगह की कहानी सुनाएंगे मैं बनारस की कहानी सुनाऊंगा, तो आपका मन करेगा कि आप इलाहाबाद भी तो है क्यों लखनऊ भी तो है उज्जैन भी तो है इलाहाबादियों को तो मैं लगातार चैलेंज करता रहता हूँ रोज उससे बाज नहीं आता। क्या बात है क्या बात है और इससे पहले कि वापस मैं बात किताब पर करूँ एक छोटा सा प्रश्न आपसे जरूर करना चाहता हूँ ऐसा कहा जाता है किन वदंती कि हर बनारसी में एक शिव बसता है क्योंकि शिव अनंत है शिव अटल है शिव ही आग है शिव ही पानी है शिव सब कुछ है शिव ब्रह्म भी है शिव नाद भी है शिव के बारे में इस किताब में बहुत कम और क्या अगले अध्याय में इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत की जाएगी और शिव आपके लिए क्या हैं और शिव को आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि मैं ये बदसलूकी नहीं करना चाहता कि मैं बनारस की बात करूं और उसमें शिव का ज़िक्र ना हो क्योंकि शिव के त्रिशूल पर कहते हैं बनारस खड़ा है शिव मेरे पापा हैं मैं गणेश जी हूँ <laughs> मैं अपने आकार प्रकार से और संसार की बजाय माँ बाप की ही परिक्रमा को सब कुछ मान लेने के अभिप्राय से गणेश बनना चाहता हूँ शिव की प्रतव्यता अच्छी है शिव का नायकत्व नहीं और ये सब कह कह के मैंने मेरे जो नाना के पिताजी थे मेरी नानी के पिताजी वो विश्वनाथ मंदिर में नंदी पूजाते थे महंत जी लोग थे सब बद के लड़ाई करते थे प्रसाद जी की कहानी गुंडे गुंडा के चरित नायक बाऊ सिंह की तरह और बद के माने तय करके कि आज शाम को जैसे चार दस से यहाँ सेशन है वैसे वहाँ तय होता था कि शाम को चार दस से पहले उस पार गंगा के भांग छनेगी और फिर रबड़ी मलाई खा के फिर दोनों ओर से बीस बीस लाठी वाले एक दूसरे से मार करेंगे ये होता था ये होता था और इसकी इसके दस्तावेजी साक्ष्य जो है वो शिव प्रसाद में रुद्र के बहती गंगा में और प्रसाद जी की कहानी गुंडा में भी उसकी आहटे हैं उस गुंडई की तो गुंडा एक बहुत सांस्कृतिक प्रत्यय है तो मेरे ना, नानी के पिताजी नंदी जाते थे तो शिव जी से मेरा एक संबंध तो है लेकिन अब क्या कहूँ विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से मेरा वो संबंध नहीं बन पाता है कॉरिडोर से थोड़ी मुश्किल है लेकिन ठीक है शिव जी तो शिव जी हैं वो कॉरिडोर के पर निर्भर नहीं हैं और बड़ा गणेश जी महाराज मेरे फेवरेट हैं मैंने नब्बे के दशक में ललित कला अकादमी के एग्जिबिशन हॉल में मंडी हाउस में गणेश जी पर एकाग्र संभवतः मंजीत बाबा की एक सीरीज देखी थी तो मंजीत जी ने अद्भुत एक में गणेश जी क्रिकेट खेल रहे थे तो बाकायदा पैड वैड पहन के ग्लव्स लगा के और सारे खिलाड़ी खिलाड़ी थे बैट्समैन गणेश जी थे एक में वो गोपियों के समूह में बांसुरी बजा रहे थे बीच में खड़े होकर। अब आप सोचिए कहाँ कान्हा को देखने का अभ्यास और कहाँ लंबोदर राधा के बगल में खड़े हैं एक चित्र में वो मंजीत बाबा का बहुत रेडिकल काम मुझे लगता है दशानंद थे गणेश कौन बनाएगा और कौन सा समाज इस कल्पनाशीलता को स्वीकार करेगा कितनी उदारता चाहिए कला को स्वीकार करने के लिए तो वैसे ही गणेश हैं हमारे बहुरूपिया रूप बदल लेने वाले और वही उस इस प्रकार शिव जी भी अपने बाहु निकल आते हैं तो अच्छा रहता है क्या बात है जबरदस्त मैं आ, इस किताब में आपने कई सारे ऐसे दिग्गज गुणीजन हमारे घर के बुज़ुर्ग जो बनारसी थे जिनका बहुत नाम हुआ ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों या बहुत सारे संगीतज्ञों से बात की है क्योंकि थोड़ा बहुत तबला मैंने सीखा हुआ है प्रयाग संगीत समिति से एक प्रभाकर नाम की डिग्री ले ली है तकरीबन एक दशक तक तबला बजाता रहा तो मेरा अगला प्रश्न सिर्फ़ और सिर्फ बनारस और बनारसी घरानों के तबला वादकों के से जुड़ा हुआ है कि जहां एक तरफ हम ये कहते हैं कि जहां एक तरफ एक गली में बनारस का यह डंका बजता है वहीं दूसरी गली में

जहाँ बनारस की हर गली में ये रेला ये परन, ये तिहाई बजती हो वहाँ इतने तबला वादक आए आप को वो कौन से तबला वादक थे जो आपके दिल के सबसे करीब थे चाहे मैं एक तरफ से नाम लेना शुरू करूँ शायद शाम बीत जाएगी पंडित किशन महाराज पंडित गुदई महाराज सामता प्रसाद मिश्र जी बहुत सारे नाम हैं मैं नामों के ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि जिसका नाम छूट गया वो मुझे त्रिशूली मारेंगे सीधे तो मैं आप पर आना चाहूँगा भी हमेश भया वो कौन से तबला वादक थे जिनका नाद आपके स्वरों में हमेशा रहता है आप देखिए किताब ने कितनी तैयारी करवाई है एक भूतपूर्व तबला वादक से यह है बात और ये है बनारसी भोकाल भी बनारस की जो परिभाषाएं आप तक अभी तक न कम्युनिकेट हुई हों इनके अंदाज में वो सब कुछ बनारस प्रदर्शन का कोई भी मौका छोड़ नहीं सकता उसका पैमाना हमेशा छलक जाता है तो दो बोल इन्होंने सुनाए यहाँ पे बहुत से तबला वादक बैठे हुए हैं मेरे मामा स्वयं मेरे गुरु जैसे हैं वो खुद तबला वादक हैं और तबला बहुत मेरा बेटा है वो पंडित पूरन महाराज जी का शिष्य है वो भी बैठा हुआ है और सब लोग जो है तबले से बहुत वाकफियत रखने वाले मेरा भाई है यहाँ पे भैरव वो, वो उन सभी से माफ़ी मांगते हुए नहीं, क्या बात छुट्टियाँ हो सकती हैं वो बनारस के तबले के कई रंग हैं बनारस के तबले को वो शिव जी के निरंतर सानिध्य से वो पखावज अंग का तबला हो गया है खुले बोल का जैसे जो चीज़ लखनऊ में माधुर्य के अंदाज़ में पेश की जाती है वहाँ पर जा के वो परुष कठोर मतलब वो उसमें वो खुल जाता है वो खुल जाता है बनारस का तबला लेकिन ऐसा नहीं कि वो ध्वनि कश्ता वो खुलापन वो पखावज अंग वही बनारस के तबले की एकमात्र पहचान हो बनारस में भी माधुर्य है बनारस के अब वो बात वही ये जो कह रहे थे कि बहुत लंबी बातचीत है वो कि बनारस के तबले में भी छह स्कूल हैं अलग अलग तो जो मुख्य गुरु है उसने अपने पूरे बनारस का तबला एक तो मैं उस्ताद के यहाँ बैठा हुआ हूँ लखनऊ को प्रणाम एक बार फिर से बनारस घराना जो है वो तो लखनऊ से उस्ताद मोदू खां साहब से निश्रित हुआ पंडित राम साहे यहाँ से तबला सीख के गए और उन्होंने बनारस घराना स्थापित किया जब उन्होंने स्थापित करना चाहा घराना तो अपने उस्ताद से मिलने आए वो गुरुजी से पूछा कि कैसे होगा कहे कि कुछ करना होगा क्योंकि अगर तुम वही यही जाके सिखा दोगे जो तुमने सीखा है मुझसे तो वो तो लखनऊ घराना हो जाएगा तब खाली बनारस में रहने की वजह से थोड़े लखन, बनारस घराना है कहीं रहने से थोड़े घराना बनता है वो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है तो जो कथा कही जाती है वो बहुत दिलचस्प है उन्होंने पंडित राम सहाय ने सारे बोल जो है उल्टे कर दिए सारे बोल जैसे घन पाठ होता है त्रैंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम एक दो तीन चार दो तीन चार पाँच तीन चार पाँच छः ऐसे सारे बोल उल्टा कर दिए बनारस ने धागे न ती न क धी न तो वो न धी ती क ऐसे उल्टा चलने लग गया सारे बोल पलट गए बोल बांट के कायदा के पेशकार के गत के फर्द के वो कुछ इशारे करके वरिष्ठ लोग कहीं जा रहे हैं <laughs> तसल्ली आश्वासन देते आ रहे हैं कहा यही जाता है कि आ रहे हैं <laughs> तो वो बोल पलट दिए उन्होंने और उस तरह से वो घराना निकला और उस घराने में भी जैसे ताल का जो निकास था वो एक कुल परंपरा ने सीखा जो परन और रेला वाला था वो एक कुल परंपरा ने सीखा बांट जो है वो एक कुल परंपरा ने सीखा तो कहीं किशन महाराज पैदा हुए कहीं गुदई महाराज पैदा हुए कहीं अनोखे लाल पैदा हुए आप देखिए कि इन सारे तबला वादकों की विशिष्टताएं अलग अलग हैं एक ही विशिष्टता नहीं है इतना ही पर्याप्त है अभी कहना और ये दोबारा याद करना कि बनारस घराने का तबला लखनऊ की देन है और बनारस घराने का कथक कथक नृत्य भी यानी सितारा देवी और उनके पिताजी पाणे महाराज वो जो है अच्छन महाराज और लछू महाराज जी शंभू महाराज जी के शिष्य थे प्रसिद्ध जी के शिष्य थे दरअसल और बाद में मतलब बनारस कथक में भी लखनऊ का शिष्य है और बनारस तबले में भी लखनऊ का शिष्य है और ये बात एक बनारसी होने के नाते पूरे एतबार से मुझे बार बार कहनी चाहिए इसमें कोई अहंकार की हानि नहीं है जो है सो है चौचक <laughs> मैं आ, बिल्कुल आ, सत्र को अपने अंजाम पर ले जाते हुए आपसे आखिर के दो सवाल एक रंगमंच से जुड़ा हुआ आपके क्योंकि वो सवाल करना भी ज़रूरी है लेकिन आग पानी के ऊपर आखिरी प्रश्न समापन की आग और पानी इतनी देर से क्यों आया पहली चीज़ क्या और क्योंकि आपने अब बता दिया है तो अब ये मेरा सवाल ख़त्म हो गया कि क्या अब और इसके ऊपर अध्याय और जुड़ेंगे क्योंकि अध्याय अब जाहिर सी बात है और जुड़े जाएंगे तो मेरा यही प्रश्न है आपसे कि आग और पानी को लाने में इतना विलम्ब क्यों और बनारस के ऊपर जैसा और बाकी लेखक लिखते हैं उसको आपकी आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि बनारस के ऊपर बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने तरीके से जो बनारस को जिया है वो लिखा है लेकिन एक बनारसी जब एक बनारस को जीता है और वो लिखता है तो आग और पानी लिखता है तो मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि इतना देर क्यों किया आपने आलस्य और क्या <laughs> अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कही गए सबके दाता राम जोरदार <laughs> कोई और तर्क नहीं है मेरे पास आ, मैं रियाज नहीं मार सकता मैं बहुत कुंठित हो जाता हूँ जब मैं अपने समवयसी लेखकों को रीडिंग टेबल पर समय से बैठ के पढ़ता लिखता या उसकी बारे में बातचीत करता पाता हूँ आज मैं दिव्य प्रकाश डुबे के साथ आया हूँ बनारस से वो तो मुझे बता रहे थे कि अव्वल तो मैं लेट के नहीं पढ़ पाता और दूसरे उनके कोई मित्र हैं जिनके साथ वो रोज़ सुबह छः से दस जूम पर रोज़ बैठ के लिखते हैं वो एक रेसिप्रोसिटी से एक पारस्परिकता से छ से दस लगातार बैठ के लिखना मैं तो सौ बार पान थूकने जाऊंगा मैं वो मित्र मेरा शत्रु बन जाएगा सबसे बड़ा कि जैसे ही वो कोई जरूरी बात कहेगा मैं कहूंगा कि रुके थूक के डब्बा में थूक एक मिनट रुक जाए जमा ले तब फिर तो मुख्य कारण ये है और मैं कतई इस प्रमाद को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता प्रमाद है तो है दूसरा आपका क्या सवाल था कि दूसरे लेखकों ने जब हम लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं बनारस पे खराब आप लिख ही नहीं सकते मैंने बहुत बढ़िया लिखा है जान लीजिए और दूसरे और भी बढ़िया लिखते हैं बनारस पे खराब लिखा ही नहीं जा सकता मीर पर बातें करो तो वो बातें भी उतनी सुंदर होती हैं जितने की मीर क्या बात जब तो बातें सुंदर ही होंगी ना आप कैसे खराब लिख देंगे एक गोला दीनानाथ नाम का मोहल्ला है उसमें घुसते ही काशीनाथ सिंह लिखते हैं कि मसालों की गंध से आपकी नाक परपराने लगती है तो वो गली है तो आप कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे ना वहां पे बिस्मिल्लाह है तो आप लिखेंगे ना वहां सिद्धेश्वरी थी तो लिखेंगे ना तो वो अपने आप सुंदर हो जाएगा वो किसने भी लिखा हो बिल्कुल 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 और मैं जरूर ये बात पूछना चाहूंगा क्योंकि एक बनारसी के तौर पर मैंने ये किताब पढ़ी बनारस की गलियों का बनारस की चीज़ों का बनारस की गंगा का तो बहुत ज़िक्र है और गंगा के से जुड़े बाकी और जो हम जिन विचारों से जूझ रहे हैं उन विचारों का उसमें मत ज़रूर है लेकिन गुरु कम लिखला यार बनारस के बारे में काहे इस बात का सवाल मैं इस आ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफ़ाई कर देता हूँ सवाल को कि बनारस की गलियाँ और जो बनारस की चीज़ें हैं जिन मानक हैं जो बनारस के इस किताब में सिर्फ बनारस के लोगों और या फिर बनारस की चिंता पर ज़्यादा विवरण दिया गया है तो बनारस जिन चीज़ों के लिए फेमस है उस पर तो बात ज़रूर हुई है लेकिन जो चीज़ें बनारस की फेमस हैं उस पर क्या बातचीत दूसरे अध्याय में है देखिए अब तो मैं छप गई है तो मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ किताब को और आप सब तो कर ही रहे हैं लेकिन वो शुरू तो हुआ है सरोकारों और चिंताओं के इजहार की तरह जो नष्ट हो रहा है उसको बचा लेने की कोशिशों की तरह और वो कोई तात्कालिक फौरी सिलसिला नहीं है वो उसका प्रत्यक्ष राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन उसका ताल्लुक एक व्यापक डेटोरिएशन से ज़रूर है दूसरे इस बात का इस शिद्दत से अंदाज़ नहीं था कि बनारस को पसंद करने वाले आपको इतने मिल जाएंगे मुझे नहीं पता था मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि बनारस के स्वाद को बनारस की खुशबू को एक निबंध है आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का गुलेरी जी ढाई कहानियों के लेखक उसने कहा था नाम की कि क्लासिक रस देने वाले पांच पन्नों का तेरी कुर्माई होगी वाले गुलेरी जी हिंदी के अनन्य निबंधकार भी थे उनका एक निबंध है काशी के नूपुर और काशी की नींद आप बताइए बनारस की नींद पर गुलेरी जी लिख चुके हैं कि बनारस की नींद कैसी होती है वो उसमें एक डिटेल है की छत पर सोया हुआ है कोई व्यक्ति तो सवेरे गंगा नहाने वाली जो स्त्रियां हैं उनके पाओ की पायल जो है नींद में कैसी बसती है वो जो अपना डोलची लेके जाती हैं कुछ पुष्प कुछ पूजा का पात्र आदि आदि उस पर एक उसको उसको डेवलप करने की कोशिश की है गुलेरी जी ने और त, ऐसे नहीं कि वो कोई अनक्वालिफाइड प्रशंसक नहीं है बनारस के उन्होंने बताया है उन यात्रियों के बारे में उन दृष्टाओं के बारे में जैसे रंगून को किसी ने सत्रह तरह की गंध से पहचानने का दावा किया था वो आदमी अंधा था लेकिन वो वो सत्रह तरह की खुशबुएं या बदबू जो भी कहें आप उसको उनसे पहचान लेता था कि वो रंगून में है ऐसे भी पहचानने वाले लोग हैं दुनिया में ये उस लेख में रेफरेंस की तरह आता है और नींद भी काशी की विषय वस्तु बन सकती है इतना आत्मविश्वास मेरे में नहीं था उसका कारण वही प्रमाद है या बैठे रहेंगे तब थोड़े आत्मविश्वास होगा उसके लिए तनिक चलना होगा गलियों में जाना होगा फिर से धक्का खाना होगा फिर से कुछ गाली गलौज करना होगा तब वो सार तत्व तो आप सिरच पाएंगे जिसकी कामना आप बहुत करते हैं लिखें चाहे ना लिखें क्या बात है ज़बरदस्त मैं इस सत्र को अपने अंजाम तक लेके जाना चाहूँगा और इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल पूछूं कि बनारस की सुगंध जो हमारा विषय है आपके लिए बनारस की सुगंध क्या है ये मैं आखिर में पूछना चाहूँगा लेकिन उससे पहले क्योंकि आप सिर्फ़ एक लेखक नहीं हैं आप एक रंग निर्देशक हैं रंग में आपकी भूमिका और आपके सभी नाटकों में जो म्यूज़िक का हमेशा एक इन्वॉलमेंट रहा है जो संगीत से आपका जुड़ाव रहा है हर एक बार उसको क्यों आप अपने हर का चाहे वो कामाय की बात हो चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो चाहे आपके दूसरे अन्य नाटक हो क्यों हर बार म्यूजिक आता है संगीत का उसमें समर्ण क्यों आप नॉर्मल और ले नाटक रंग निर्देशकों की तरह नॉर्मल नाटक नहीं करते ये थोड़ा सा एक रंग निर्देशक के रूप में आपका विचार और आपके आपकी सोच आ, आपने देख ही लिया होगा कि मैं संभाषण प्रिय हूँ मुझे बोलना बहुत आता है तो मैं बोलना सीखा भी बहुत सकता हूँ लेकिन खड़ी बोली का वाक विलास जो है पैंट शर्ट पहन के मुझे बहुत देर तक शोभा नहीं देता मुझे बहुत एक रुचता नहीं उसमें मुझे लगता है और गहरे उतरा जाए सीढ़ियाँ जो हैं वो जो घनी बावड़ी है मुक्तिबोध वाली उस अंधेरे जल की ओर जाने के लिए प्रेरित करती हैं वो काम संगीत से होता है परंपरा के और पास जा पाने का जो एहसास है अपनी रूट्स अपनी जड़ों की ओर लौटने का और एक कथन जो म्यूज़िक से तैयार होता है एक जो बात संगीत से कही जा सकती है वो बात बोल कर या लिख के नहीं कही जा सकती जो बात सौ पन्ने रंग के आप समझाएंगे एक छोटी छोटा सा आलाप एक छोटा सा तबले का कोई अंश उसको विटिगेन्स्टाइन ने जो कहा है कि हर कलाकृति अपने प्रभाव में संगीत हो जाना चाहती है तो संगीत को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बरतने में मैं प्रिविलेज हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ क्या बात है ज़बरदस्त और आखिरी सवाल बनारस की सुगंध जो हमारा विषय है आपके लिए बनारस की सुगंध क्या है और आपके मन मस्तिष्क पर क्या आता है जब हम बनारस के सुगंध की बात करते हैं मंच पे पुलिस आ गई है बस करिए <laughs> नहीं नहीं मैं भी सुनना चाहूंगी <laughs> अच्छी पुलिस है ये क्या होगी बनारस की सुगंध अव्वल तो मुझे बहुत जुकाम है मुझे कुछ सुंग ही नहीं पा रहा हूँ पूरा पूरा देश ही मुझे लगता है कि जंग भी चलते रहना चाहिए देखिए <laughs> उलटबासी है बनारस की सुगंध उल्टा बोलना कबीर की तरह और एसर्ट कर जाना अखाड़ेबाजी है बनारस की सुगंध अगर आप धोती का पोछेला खोल देंगे तुलसी की तो पहलवानों की एक फौज खड़ी कर देगा उसको सिर्फ कविता लिखना नहीं आता पहलवानों को पालना भी आता है तुलसी का जो मोहल्ला है तुलसी घाट वहाँ पे बहुत सकरी सी गली है बासब अच्छा जानते हैं उसमें कार चली जाती है तो कई लोग वहाँ कार जो आजकल शहरों का आवारा तरीका है कार खड़ा करके घूमने चले जाते हैं तो वहाँ अखाड़ा संकट मोचन के जो पहलवान हैं वो करवा सब उठा करके रख देते हैं चबूतरे पे आइए उतार ले बीस पहलवान मिल के महंत जी के पहलवान सब उठवा के चबूतरे पर रख देते हैं और फिर जब वो आता है शहरी आदमी बैंक से लोन लेके जो कार खरीदा है <laughs> फिर वो उतार नहीं पाता तो ये जो प्रतिभा के साथ मसल पावर का अद्भुत तादाद में है बनारस में ये है बनारस की सुगंध और वो बची रह है क्योंकि तो उसमें गोली नहीं है वो मतलब सांड बीच में सड़क पे बैठा है उसको किसी ने कार से धक्का मार दिया तो आप जान लीजिए कि कार वाला तो गया काम से क्या बात बीच बचाओ की संस्कृति है बनारस की सुगंध जाने की की कहना न मानने ठीक हो अदा जो है ये है यही क्या बात है बनारस की सुगंध आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर व्योमेश भैया हमारे आग्रह पर आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार करने का और कला मंथन के मंथन साहित्य उत्सव चतुर्थ संस्करण में आकर हमारी शोभा बढ़ाने का बहुत आभार सब की वजह से मैं थोड़ा सा घरेलू और अनौपचारिक हो गया कला मंथन का काम बहुत बड़ा है और इस पूरे अभियान से जुड़े सभी लोगों के लिए मैं नतशिर हूँ निर्झरा मैम के लिए आप सब साथियों के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए प्रणाम